पंजाबी सूफी गायक मनमीत सिंह की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के करेरी वैली में मौत हो गई है। मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ करेरी वैली में घूमने आए थे। ल्यूंड खड्ड को पार करते समय पैर फिसलने से मनमीत की खड्ड के पानी में बहने से मौत हो गई, जिनका शव भी बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मनमीत सिंह अपने 11 दोस्तों के साथ धर्मशाला घूमने आए थे और 5 दोस्त धर्मशाला से वापस लौट गए थे, जबकि 6 दोस्तों के दल ने शाहपुर के करेरी वैली में घूमने का निर्णय लिया। ल्यूंड खड्ड को पार करते समय उनके 5 दोस्त तो खड्ड को पार कर गए, लेकिन जैसे ही मनमीत ने एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाई तो पैर फिसलने से वे ल्यूंड खड्ड में गिर गया और बह गया। दोस्तों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें ढूंढने का भरपूर प्रयास भी किया गया, जबकि पिछले कल ही उनका शव खड्ड में बरामद हुआ है। मकलोडगंज पुलिस को भी गायक मनमीत के खड्ड में बहने की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस टीम भी दोस्तों के साथ थी। साथ ही इस बारे में मनमीत सिंह के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया था, जिस पर परिवार के सदस्य भी यहां पहुंच गए हैं। खड्ड से शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया। गायक मनमीत सिंह के जीजा अमन ने बताया कि वे अपने 11 दोस्तों के साथ यहां घूमने आए थे, लेकिन करेरी क्षेत्र जाने से पहले ही 5 दोस्तों ने इनकार कर दिया और वे वापस लौट गए। वहीं मनमीत और उनके 5 साथी करेरी में घूमने गए थे। खड्ड में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जंप करते समय मनमीत का पैर फिसलने से वे खड्ड में बह गए। साथियों ने 2 किलोमीटर तक उन्हें ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। पिछले कल ही उनका शव बरामद हुआ है। सर, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਆ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਆ। ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹਦਾ। ਸਰ, 6 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਆਏ ਤਾਂ 11 ਜਣੇ ਸੀ, 5 ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਥੱਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 6 ਜਣੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੱਥਰ 'ਤੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਪ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਮਨ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਥਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਸਰ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਸਰ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ। ਆ 5 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਸਰ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ? ਸਰ, ਹਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। SHO मकलोडगंज विपिन कुमार ने बताया कि मनमीत सिंह अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे, जो कि ल्यूंड खड्ड में बह गया, जिनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मनमीत के परिजनों ने भी धर्मशाला पहुंच चुके हैं। एक इंसिडेंट हुआ है, कौन ये नौजवान है और किस तरह की घटना कहां पर घटी है? ये पंजाबी गायक बताया जा रहा है, इसका नाम मनमीत सिंह है, अमृतसर से संबंधित हैं। ये 11 तारीख को करेरी लेक की तरफ घूमने गए थे, जिनमें से ये 2 ग्रुप थे। 5 लोग जो हैं वो पहले वापस चले गए हैं, और ये 6 लोग जो थे ये करेरी लेक से नीचे वापस आ रहे थे,
तो बीच में ल्यूंड खड पड़ती है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। तो 5 लोग सफलतापूर्वक उसको क्रॉस कर गए, लेकिन मनमीत सिंह का पांव जो है वो वहाँ पर फिसलने से ये नदी में बह गया था। तो पिछले कल इसकी डेड बॉडी को स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस की टीम जिसमें ऐसे बचन सिंह थे उसको रिकवर किया गया है। तो इसका पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी इसके घर वालों को हैंडओवर कर दी जाएगी।